वेलकम टू अनदर गाइस। सो हेलो, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखुबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों का ये सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। कौन सा डाउट? जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा ही है, फ्लिपकार्ट से अगर आप गेमिंग मॉनिटर यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का मॉनिटर लेते हो तो वो ओबीडी होने के बाद उसको सक्सेसफुली रिटर्न और रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। जी हां दोस्तों, रिटर्न करके रिफंड ले भी सकते हो या पहली बार के लिए आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है, 7 दिन के अंदर ही आप लोगों को ये करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और डिटेल में गाइस आप लोगों को सारा कुछ जो है दिखा के समझा देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आपसे फिर से बहुत बहुत तरीके से स्वागत करते हो आपका हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने इस वाले गेमिंग मॉनिटर को लिया था जिसका ओबीडी ये है। अगर आप लोग नए हो, नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। ये है Asus TUF 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर और इसका जो है प्रॉपर्ली अनबॉक्सिंग का डिटेल में A to Z गेमिंग टेस्ट, वीडियो टेस्ट, सारे रिव्यू जो है ये है। इसको भी आप लोग गाइस देख लीजिएगा, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। इसके पहले भी मैंने फ्लिपकार्ट के ओबीडी बहुत सारे प्रोडक्ट के टीजर लाया हूं जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि गाइस हो जाता है कि अगर मोबाइल के कैटेगरी हो जाता है कि मोबाइल की कैटेगरी, इसके पहले मैंने बताया था कि उसका 7 डेज ब्रांड रिप्लेसमेंट और रिपेयर का वारंटी रहता है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं होता है। अगर मान के चलो लाइक टीवी ऑर्डर करते हो या आज के ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग मॉनिटर ऑर्डर करते हो, जैसे मैंने ऑर्डर किया मॉनिटर, अगर आपके गेमिंग मॉनिटर में कोई भी इशू आए, जैसे कि ऑन नहीं हो रहा है, जैसे इंस्टॉल ठीक से नहीं हो रहा है, जैसे कलर करेक्शन ठीक नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, और एडवर्टाइज यानी फ्लिपकार्ट के बैनर में जो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था मॉनिटर के अकॉर्डिंग, वो सारा के सारे चीज जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वही इस तरीके का टेक्निकल रिलेटेड इशू आए तो आप रिप्लेसमेंट आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर पार्ट मिसिंग है, आप घर आके ओबीडी प्रोडक्ट करके भी बाद में देखते हो कि यूट्यूब की ट्यूटोरियल देखे कि ये पार्ट उस ट्यूटोरियल में है, मेरे बॉक्स में कहां पर है, या प्रोडक्ट का सील पहले से खुला है, तो भाई फ्लिपकार्ट ये सुनने नहीं वाला। अगर आपका टेक्निकल रिलेटेड इशू है तो फ्लिपकार्ट आपको 100% मदद करेगा। इसलिए कोई भी गेमिंग मॉनिटर या टीवी मॉनिटर का ओबीडी प्रोडक्ट लेते वक्त आप अपने मॉनिटर के सारे पार्ट्स को चेक कर लीजिए। तो चलिए, आप इसको खुद से भी रिटर्न और रिप्लेसमेंट कर सकते हो और कस्टमर सर्विस के हेल्प लेकर भी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को सारा कुछ प्रोसेस आगे दिखा देता हूं। जैसा कि मैं आ चुका हूँ मेरे ये देखो ऑर्डर वाले सेक्शन में, ये जो है 12,678 रुपए में मैंने लिया है, और रिटर्न वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करता हूँ मेरे भाई, तो रिटर्न वाले ऑप्शन में क्लिक करते गाइस आप लोगों के सामने रीजन फॉर रिटर्न। सबसे पहले है आइटम डिड नॉट टर्न ऑन एंड अराइवल इंस्टॉलेशन, सेकंड है द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्टिव, थर्ड है रिसीव रॉन्ग आइटम, फोर्थ है रिसीव में ब्रोकन एंड डैमेज आइटम, फिफ्थ है एक्सेसरीज नॉट वर्किंग एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम मिसिंग का कोई चांस नहीं है, ये मत समझना, ठीक है। तो आइटम डिड नॉट टर्न ऑन और अराइवल इंस्टॉलेशन, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते हो भाई उसके बाद जो कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर है रीजन फॉर रिटर्न, आइटम डिड नॉट टर्न ऑन और अराइवल इंस्टॉलेशन, इसमें टिक मार्क करना है, मोर डिटेल्स में टिक मार्क करना है, और कमेंट्स में लिख दीजिए नॉट टर्न ऑन, ठीक है। कंटिन्यू में सिंपली से क्लिक कर लीजिए। सिंपली से क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए ब्रांड प्रोवाइड बॉक्स पैकेज मस्ट बी अवेलेबल, चार्जर मस्ट बी अवेलेबल, ये सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि चार्जर मिसिंग है भाई, तो ओबीडी प्रोडक्ट जब आप लिए थे तब क्या कर रहे थे, ठीक है। फ्लिपकार्ट का कहना ये होगा क्योंकि आप जब तक उस वाला ऑप्शन में नहीं क्लिक करोगे तो आपका रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। आपको फिर से रिटर्न वाले पेज में ले जाता हूँ। आपको सेकंड वाला ऑप्शन, अगर आपका प्रॉब्लम है इस अकॉर्डिंग दिस प्रोडक्ट रिसीव्ड ए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब बाहर से अच्छा है, अंदर से अगर कोई डिफेक्टिव है, अगर बाहर से डैमेज या कुछ भी होता है तो ये नहीं होगा क्योंकि ओबीडी प्रोडक्ट में कि आप देख के नहीं लिए थे, सही बात है। तो उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद ब्रांड प्रोवाइड बॉक्स पैकेज मस्ट बी अवेलेबल, ये तो देना पड़ेगा, चार्जर मस्ट बी अवेलेबल, कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन में भी रिटर्न कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है रिसीव ए ब्रोकन डैमेज आइटम। अब मुद्दे की बात आता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट में आप जो क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए मोर डिटेल्स में बहुत कुछ है, इमेज क्वालिटी पोर, आइटम पार्ट हैज बीन इशू, आइटम इज नॉट चार्जिंग ड्यू टू बैटरी इशू, स्पीकर साउंड क्वालिटी, डिस्प्ले स्क्रीन नॉट वर्किंग, इस तरीके से बहुत सारे यानी टेक्निकल इशू जितने सारे सारे के सारे गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिए जाता है, यानी कोई भी शंका वाली बात नहीं, यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, सिंपली से इस वाला ऑप्शन में जाकर आप लोगों को करना होगा। तो आप लोग, आप सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फ्लिपकार्ट में कॉल करके ही सारा कुछ प्रोसेस में आगे बढ़िए, खुद से मत कीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ऐसा डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है जहां से आप अगर शॉपिंग करते हो, अगर आपके शॉपिंग में या रिटर्न करना चाहते हो कोई भी गलती होता है तो भाई आपका जो रिप्लेसमेंट रिटर्न है वो तो कैंसिल होगा ही होगा। अगर आप बार बार रिटर्न किए तो भाई आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऐसा सिस्टम कर दिया है, ऑटो सिस्टम है, फिर से आपको फ्लिपकार्ट को कॉल करके आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो झमेले में मत जाइए, आप लोगों को जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाना था। तो मैंने तो भाई कॉल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट को, तो मैंने लिखा यहाँ पर अर्जेंट कॉल मी, तो यहाँ पर नंबर वगैरह आ गया तो फ्लिपकार्ट से कॉल आएगा, मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेरे भाई लोग ये देखिए, फ्लिपकार्ट में कॉल करने के बाद मैंने मेरा इशू को बोल दिया और फ्लिपकार्ट ने मेरा सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट कर दिया। यह ऑर्डर शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है,
तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आएगा। तो अब मेरे भाई लोग बात आती है आप लोगों के पास क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। आने के बाद गाइस जब डिलीवरी बॉय आएगा तब आपके प्रोडक्ट में जो सीरियल नंबर होगा उस सीरियल नंबर से मैच करेगा डिलीवरी बॉय जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आएगा उससे। अगर मैच होता है तो उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है आपको आपका सही से प्रोडक्ट दे देगा और जो खराब प्रोडक्ट है आपका टेक्निकल प्रॉब्लम वाला प्रोडक्ट वो लेकर चला जाएगा। बस यही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया, क्योंकि गाइस खुद से करोगे तो कोई भी इशू समझ में आया रिप्लेसमेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। आप फ्लिपकार्ट के मदद लेकर करो, आप अपना प्रॉब्लम शेयर करो, वो लोग अच्छा जानते हैं, वो लोग ट्रेंड है, वो लोग एक्सपर्ट है, वो लोग आपका प्रॉब्लम को समझ के आसानी से आपका जेन्युइन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को चार बार के शेयर कर दीजिए और अपने भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले वीडियो को शेयर करने से। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक जगह था कि इस संस से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो हजार को लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंद मतलब बागंटे के, सी यू सून।